साथियों नमस्कार। आज डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, सम बुक्स एंड देयर ऑथर्स, थ्योरीज ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड देयर प्रोपाउंडर्स, विधि शास्त्र के सिद्धांत और उनके प्रतिपादक। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पॉलिटिकल सोसाइटी रेस्ट ऑन ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट सेड बाई राजनीतिक समाज का आधार सामाजिक संविदा है, यह कथन है। करेक्ट आंसर इज हॉब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द नॉलेज ऑफ थिंग्स डिवाइन एंड ह्यूमन, द साइंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट इज सेड बाई। विधि शास्त्र दैवीय और मानवीय बातों का ज्ञान तथा सही और गलत का विज्ञान है, यह कथन है। करेक्ट आंसर इज अल्पियन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हूज लीगल फिलॉसफी इज कॉल्ड यूटिलिटेरियन इंडिविजुअलिज्म, किसके विधिक दर्शन को उपयोगितावादी व्यक्तिवाद कहा जाता है। करेक्ट आंसर इज बेंथम। हु डिफाइन लॉ एज द डिसाइकोलाइज्ड कमांड, कौन विधि को मनोवैज्ञानिक तत्व से हीन समादेश के रूप में परिभाषित करता है। करेक्ट आंसर इज कैल्सन। द सोर्स ऑफ लॉ इज बोलकस जीस्ट इज सेड बाई, विधि का स्रोत लोक चेतना है, यह कथन है। करेक्ट आंसर इज सेबनी। हु सेज लॉ इज ए नॉर्मेटिव साइंस, विधि एक मानात्मक विज्ञान है, यह कथन है। राइट आंसर इज कैल्सन। According to which school of jurisprudence, custom is superior to legislation? किस विचारधारा के अनुसार रूढ़ी विधायन से श्रेष्ठतर है? Right answer is historical school. Who is considered as the father of English jurisprudence? किसे आंगल विधि शास्त्र का जनक कहा जाता है? राइट आंसर ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। द बेसिस ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी इज इंटरडिपेंडेंस ऑफ मैन इन सोसाइटी सेज, सामाजिक समेकता का आधार समाज के लोगों की पारस्परिक निर्भरता है, यह कथन है। करेक्ट आंसर इज ड्यूगेट। द टास्क ऑफ लॉ इन सोसाइटी इज सोशल इंजीनियरिंग, दिस स्टेटमेंट इज सेड बाई। समाज में विधि का कार्य सामाजिक अभियांत्रिकरण का है, यह किसका कथन है? करेक्ट आंसर इज रॉस्को पाउंड। Who is said to be the chief architect of the Greek legal philosophy? Insofar as natural law is concerned, प्राकृतिक विधि के संबंध में यूनानी दर्शन का प्रमुख जन्मदाता कौन है? Correct answer is अरस्तु। Next question. The revival of natural law theories during the 19th century is attributed to 19वीं शताब्दी में प्राकृतिक विधि के उद्धार के लिए श्रेय दिया जाता है। करेक्ट आंसर इज स्टेमलर। कस्टम इज टू सोसाइटी बट लॉ इज टू स्टेट, दिस स्टेटमेंट इज सेड बाई। रूढ़ी का समाज से वही संबंध है
जो विधि का राज्य से है, यह कथन है। करेक्ट आंसर इज सामंड। जजेज नॉट ओनली डिस्कवर लॉ बट दे मेक लॉ, दिस व्यू इज सपोर्टेड बाई। न्यायाधीश केवल विधि की खोज ही नहीं करते बल्कि वे विधि का निर्माण करते हैं, इस विचार के समर्थक हैं। करेक्ट आंसर इज ग्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटीज हैज हाइथर्टो बीन ए मूवमेंट फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। दिस स्टेटमेंट इज सेड बाई। प्रगतिशील समाज अब तक हैसियत से संविदा पर गए हैं या प्रायस्थिति से संविदा की ओर जा गया है, यह कथन किसका है। करेक्ट आंसर इज मेन, हेनरी मेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीगल थ्योरी इज बेस्ड ऑन। विधिक सिद्धांत निम्नलिखित पर आधारित है। करेक्ट आंसर इज कंसेप्ट्स लाइक मॉरलिटी, जस्टिस एंड एथिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेपरेटेड ज्यूरिस्प्रूडेंस फ्रॉम रिलीजन। धर्म से विधि शास्त्र को किसने पृथक किया। करेक्ट आंसर इज ह्यूगो ग्रोसियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉवरंटी मस्ट बी डिटर्मिनेट, इट इज असेंशियल, इज इंडिविजुअल एंड इज अनलिमिटेड एंड इलिमिटेबल। हु कंसीव्ड दिस अबाउट द सॉवरनिटी। प्रभु सत्ता सुस्पष्ट की जानी चाहिए, यह अनिवार्य है, अविभाज्य है तथा असीमित है और अनंत है। प्रभु सत्ता या संप्रभुता के बारे में किसकी यह सोच है। करेक्ट आंसर इज ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, केस लॉ इज गोल्ड इन द माइन, ए फ्यू ग्रेन्स ऑफ द प्रीसियस मेटल टू द टन्स ऑफ यूजलेस मैटर, वाइल स्टैट्यूट लॉ इज कॉइन ऑफ द रियलम रेडी फॉर इमीडिएट यूज। हु सेड दीज वर्ड्स। निर्णय विधि खान का सोना है। कुछ लोग ही अनावश्यक सामग्री की भारी मात्रा में से इस कीमती धातु को प्राप्त करते हैं, जबकि परनियम विधि संविधि तत्काल प्रयोग के लिए राज्य का तैयार सिक्का है। ये बात किसने कही थी। करेक्ट आंसर इज सामंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसर्टेन कैल्सन फॉलो कांट इन डिस्टिंग्विश बिटवीन इज एंड ऑट। रीजन, कैल्सन इज ए फॉर्चुनर ऑफ फिलोसॉफिकल स्कूल। कैल्सन कांट को अनुसरण करता है जिसमें है को चाहिए से विभेद किया गया है। कारण, कैल्सन दर्शन शास्त्रीय स्कूल का अग्रदूत है। राइट आंसर इज बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रोपाउंडेड द प्रिंसिपल दैट द लाइफ ऑफ लॉ इज नॉट लॉन्ग बट इट हैज बीन एक्सपीरियंस। यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया कि विधि का जीवन तर्क नहीं लेकिन अनुभव है। करेक्ट आंसर इज होम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हिस्टोरिकल मूवमेंट इन इंग्लैंड वाज। इंग्लैंड में ऐतिहासिक आंदोलन का
सबसे बड़ा प्रतिनिधि था? करेक्ट आंसर इज हेनरी मेन. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूगिट हैज बिल्ट अप हिज डॉक्ट्राइन ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड सोशल कोएजन. इट इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ. ड्यूगिट ने अपने सिद्धांत श्रम के विभाजन एवं सामाजिक संश्लेषण पर खड़ा किया है, यह कहलाता है. करेक्ट आंसर इज सोशल सॉलिडेरिटी, सामाजिक समेकता. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मेन द मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटीज हैज हाइथर्टो बीन ए मूवमेंट फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज नो मोर ट्रू बिकॉज ऑफ. मेन के अनुसार प्रगतिशील समाजों का संचलन अब तक हैसियत से संपदा पर संचलन रहा है, यह अब सही नहीं रहा. इसका कारण है. करेक्ट आंसर इज सोशल लेजिस्लेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ इज एन एक्सरसाइज इन लॉजिक एंड नॉट लाइफ. दिस ऑब्जर्वेशन वाज मेड बाई. विशुद्ध विधि का सिद्धांत तर्कशास्त्र का एक अभ्यास है, ना कि जीवन का. यह टिप्पणी किसने की? करेक्ट आंसर इज हेरोल्ड लॉस्की. नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ इज डिराइव्ड फ्रॉम सोशल फैक्ट्स एंड नॉट डिपेंडेंट ऑन स्टेट अथॉरिटी बट ऑन सोशल कंपल्सन. हू सेड दिस. विधि सामाजिक तथ्यों से उत्पन्न होती है और राज्य के प्राधिकार पर निर्भर नहीं है, लेकिन सामाजिक बाध्यताओं पर आधारित है. यह किसने कहा है? करेक्ट आंसर इज एयरलिच. नेक्स्ट क्वेश्चन, वी मस्ट एडमिट ओपनली दैट प्रेसिडेंट मेक्स लॉ एज वेल एज डिक्लेयर इट. ओरिजिनल प्रेसिडेंट्स आर द आउटकम ऑफ द इंटरनेशनल एक्सरसाइज बाई द कोर्ट्स ऑफ देयर प्रिविलेजेज ऑफ डेवलपिंग द लॉ एट द सेम टाइम दैट दे एडमिनिस्टर इट. हू सेड इट. खुले तौर पर हमें यह मान लेना चाहिए कि नज़ीर से कानून बनता है और इसे कानून भी घोषित करता है. मूल नज़ीरें अदालतों द्वारा अदालतों को व्यवस्था देखने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अदालतों के विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए उत्पन्न होती हैं. यह किसने कहा था? राइट आंसर इज सामंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर हॉलैंड डिस्टिंग्विश ए लीगल राइट फ्रॉम. प्रोफेसर हॉलैंड कानूनी अधिकार को किससे भिन्न दिखलाते हैं? करेक्ट आंसर इज माइट एंड मॉरल राइट्स, शक्ति एवं नैतिक अधिकार. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए और प्रदत्त कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए. करेक्ट आंसर इज मिनिमम कंसेप्ट ऑफ लॉ बाय हार्ट, इनर मॉरलिटी ऑफ लॉ बाय फुलर, लॉ विद ए वेरिएबल कंटेंट स्टेमलर, लॉ एज ए फिनोमेनन ऑफ सिविलाइजेशन बाय कोहलर. ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ इज द गारंटी ऑफ द कंडीशंस ऑफ लाइफ ऑफ सोसाइटी एश्योर्ड बाई द स्टेट्स पावर ऑफ कंसनट्रेंट. हु सेड इट.
विधि वे सामाजिक जीवन की शर्तों का समूह है जिसे राज्य को बंदिश के अधिकार के तहत विश्वास दिलाकर गारंटी किया गया है। यह किसने कहा? राइट आंसर इज ईयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विच स्कूल द पर्पज ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस इज टू एनालाइज एंड डिसेक्ट द लॉ ऑफ द लैंड एज इट एग्जिस्ट टूडे। किस शाखा के अनुसार विधि शास्त्र का प्रयोजन आज विद्यमान कानून के अनुसार इसका विश्लेषण और विच्छेदन करना है? करेक्ट आंसर इज एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र। अकॉर्डिंग टू हूज थ्योरी लॉ इज नॉट यूनिवर्सल इन इट्स नेचर लाइक लैंग्वेज इट वेरीज विद पीपुल एंड एज। किसके सिद्धांत के अनुसार कानून अपनी प्रकृति के अनुसार सर्वव्यापी नहीं है? भाषा की तरह यह भी लोगों और युग के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। राइट आंसर इज सेवनी थ्योरी, सेवनी के सिद्धांत के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लीगल राइट इज एन इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय ए रूल ऑफ लीगल जस्टिस। एन इंटरेस्ट इन द वायलेशन ऑफ विच वुड बी ए लीगल रॉन्ग डन टू हिम हूज इंटरेस्ट इट इज एंड रेस्पेक्ट ऑफ विच इज ए लीगल ड्यूटी इट वॉज स्टेटेड बाई। एक कानूनी अधिकार वह है जिसमें हित को कानूनी न्याय के नियम द्वारा मान्यता एवं संरक्षण प्राप्त हो। एक हित जिसका हनन हुआ है वह कानूनी तौर पर गलत होगा क्योंकि यह गलती उसके विरुद्ध हुई है जिसका यह हित था और जिसका सम्मान किया जाना कानूनी कर्तव्य है। यह किसका कथन है? करेक्ट आंसर इज सामंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोथेसिस ऑफ ग्रंड नॉर्म वाज प्रोपाउंडेड बाई। ग्रंड नॉर्म, मूल मानक, बेसिक नॉर्म की प्रकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? राइट आंसर इज केल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमैनुअल कांट इज द एक्सपोनेंट ऑफ। इमैनुअल कांट प्रतिपादक हैं। करेक्ट आंसर इज रेट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, प्रतिकारात्मक दंड सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु यूज्ड द वर्ड सोशियोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम। सोशियोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया? करेक्ट आंसर इज अगस्टे कॉम्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच द फॉलोइंग कंट्रीज डिड द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल लॉ फर्स्ट इमर्ज। प्राकृतिक नियम की अवधारणा का उदय सर्वप्रथम निम्न में से किस देश में हुआ? करेक्ट आंसर इज एंशियंट ग्रीक, प्राचीन यूनान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिस्ट्री ऑफ नेचुरल लॉ इज ए टेल ऑफ द सर्च ऑफ मैनकाइंड फॉर एब्सोल्यूट जस्टिस एंड इट्स फेल्योर। विच ऑफ द फॉलोइंग जूरिस्ट हैज दिस स्टेटमेंट। प्राकृतिक विधि का इतिहास वस्तुतः मानव द्वारा शुद्ध न्याय की खोज तथा इसमें उसकी असफलता की कहानी मात्र है। यह कथन निम्न में से किस विधि शास्त्री का है? करेक्ट आंसर इज फ्रीडमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर सम सच लॉज इन द वर्ल्ड।
विचार इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल नेचर लिविंग बीइंग्स एंड ह्यूमन बीइंग्स. टू विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियोलॉजी इज दिस स्टेटमेंट रिलेटेड? निम्न में से किस विचारधारा से यह कथन संबंधित है कि विश्व में कुछ ऐसे नियम होते हैं जो प्रकृति, जीव और मनुष्य सभी के प्रति समान रूप से लागू होते हैं? करेक्ट आंसर इज स्टोइक आइडियोलॉजी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हूज थ्योरी लॉ इज नॉट यूनिवर्सल इन इट्स नेचर लाइक लैंग्वेज, इट वेरीज विद पीपुल एंड एज. किसके सिद्धांत के अनुसार कानून अपनी प्रकृति के अनुसार सर्वव्यापी नहीं है? भाषा की तरह यह भी लोगों और युग के अनुसार भिन्न होता है. करेक्ट आंसर इज बेंथम थ्योरी. नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यूरिसप्रूडेंस इज कंसर्न प्राइमरली विद द इफेक्ट्स ऑफ लॉ अपॉन सोसाइटी एंड ओनली टू लेसर एक्सटेंट विद क्वेश्चंस अबाउट द सोशल डिटर्मिनेशन ऑफ लॉ. हु सेड इट? विधि शास्त्र मुख्यतया समाज पर विधि के प्रभाव से संबंध रखती है और छोटे तौर पर विधि के सामाजिक निर्धारण संबंधी प्रश्नों से संबंधित है. यह किसने कहा? करेक्ट आंसर इज रास्को पाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ इज फाउंड और डिस्कवर्ड, इट कैन नॉट बी मेड. दिस फॉर्मुलेशन वाज मेड बाई. कानून खोजा या पाया जाता है, इसे बनाया नहीं जा सकता. यह निरूपण किसके द्वारा किया गया था? करेक्ट आंसर इज हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ. नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ इज एन ऑर्डर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. दिस डेफिनेशन ऑफ लॉ इज बाई. विधि मानवीय व्यवहार का एक क्रम है. विधि की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? करेक्ट आंसर इज कैल्सन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कूल विच बिलीव दैट प्रमोटिंग मार्केट एफिशिएंसी शुड बी द सेंट्रल गोल ऑफ लीगल डिसीजन मेकिंग. स्कूल जो मानता है कि बाजार की दक्षता को बढ़ावा देना विधिक निर्णय लेने का केंद्रीय लक्ष्य होना चाहिए. राइट आंसर इज लॉ एंड इकोनॉमिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कूल ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस मेंटेन दैट द लॉ इज शेप्ड बाय लॉजिक. विधि शास्त्र की कौन सी शाखा यह मानती है कि कानून तर्क से आकार लेता है? राइट आंसर इज एनालिटिकल विश्लेषणात्मक शाखा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स सपोर्ट द व्यू दैट ए कस्टम बिकम्स लॉ व्हेन इट रिसीव द स्टैम्प ऑफ जुडिशियल रिकॉग्निशन बाय कोर्ट्स. निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है कि एक प्रथा कानून बन जाती है जब उसे न्यायालय द्वारा न्यायिक मान्यता की मोहर मिल जाती है? करेक्ट आंसर इज एनालिटिकल स्कूल विश्लेषणात्मक शाखा. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टिन इज सेड टू बी द एक्सपोनेंट ऑफ विच स्कूल ऑफ द फॉलोइंग. ऑस्टिन को
निम्नलिखित में से किस शाखा का प्रतिपादक माना जाता है? राइट आंसर इज एनालिटिकल स्कूल. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमोंगेस्ट द फॉलोइंग सेड दैट लॉ इज नॉर्मेटिव साइंस. निम्नलिखित में से किसने कहा कि विधि मानकों का विज्ञान है? राइट आंसर इज कैल्सन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस. निम्नलिखित में से कौन विधि शास्त्र की ऐतिहासिक शाखा से संबंधित है? राइट आंसर इज मेन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द डार्क एज नेचुरल लॉ वॉज गिविन ए न्यू इंटरप्रिटेशन बाई अंधयुग में प्राकृतिक विधि की नई व्याख्या किसके द्वारा की गई थी? करेक्ट आंसर इज सेंट अगस्टाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर्स लिए हैं, जैसे द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन के ऑथर हैं हेनरी मेन, लॉ एंड द मॉडर्न माइंड बाय जीरोम फ्रैंक, ए प्ली फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन बाय जॉन ऑस्टिन, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस बाय एडम स्मिथ, कमेंट्रीज ऑन द लॉ ऑफ इंग्लैंड बाय ब्लैकस्टोन, द कंसेप्ट ऑफ लॉ बाय एच एल ए हार्ट, एंशिएंट लॉ बाय हेनरी मेन, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन बाय हेनरी मेन, लॉ इन द मॉडर्न स्टेट बाय लियोन ड्यूगेट, द प्रोविंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ बाय जूलियस स्टोन, लॉ एंड पब्लिक ओपिनियन इन इंग्लैंड बाय डायसी, थ्री लेक्चर्स ऑन वेदांता फिलोसॉफी बाय मैक्स मूलर, जुडिशियरी अटैक एंड सर्वाइवल्स बाय जस्टिस वी डी तुलजापुरकर, द ग्रोथ ऑफ लॉ बाय जस्टिस कार्डजो, लॉ इन ए चेंजिंग सोसाइटी बाय फ्रीडमैन, ह्यूमन लॉ एंड ह्यूमन जस्टिस बाय जूलियस स्टोन, एंड द मॉरलिटी ऑफ लॉ बाय फुलर. उसी तरीके से ज्यूरिस्प्रूडेंस में कुछ सिद्धांत हैं, तो किस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया गया, यहाँ उनकी एक लिस्ट बना दी गई है. जैसे थ्योरी ऑफ बोलकाजिस्ट और टेरिटोरियल थ्योरी ऑफ लॉ, लोक चेतना का सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं सेबनी, प्रोपाउंडर ऑफ दिस थ्योरी, यानी कि प्रोपाउंडर ऑफ थ्योरी ऑफ बोलकाजिस्ट भाई सेबनी. थ्योरी ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी, सामाजिक समेकता के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं ड्यूगेट. थ्योरी ऑफ लिविंग लॉ, जीती जागती विधि का सिद्धांत बाई इयरिंग. थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, रास्को पाउंड. लॉ इज कमांड ऑफ सॉवरन, विधि संप्रभु का समादेश है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं जॉन ऑस्टिन. थ्योरी ऑफ स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, परिस्थिति से संविदा की ओर का सिद्धांत किसने दिया, हेनरी मेन. और इसके एक अपोजिट थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू स्टेटस, संविदा से
प्रायस्थिति की ओर का सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं डायशी, रिवाइवल थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ, प्राकृतिक विधि का पुनरुद्धार का सिद्धांत बाई स्टेमलर, इम्परेटिव थ्योरी ऑफ लॉ, विधि का आज्ञात्मक का सिद्धांत बाई जॉन ऑस्टेन, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, विधि का विशुद्ध सिद्धांत बाई केल्सन, थ्योरी ऑफ सोशल यूटिलिटेरियनिज्म, सामाजिक उपयोगितावाद का सिद्धांत बाई ईयरिंग, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जैविक विकासवादी सिद्धांत बाई हर्बर्ट स्पेंसर, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एंड नेचुरल एवोल्यूशन ऑफ लॉ, विधि के क्रमिक एवं स्वाभाविक विकास का सिद्धांत बाई एडमंड वर्क, थ्योरी ऑफ साइंटिफिक पॉजिटिविज्म, वैज्ञानिक प्रमाणवाद का सिद्धांत बाई अगस्टे कॉम्टे, एस्प्राइट डी ला नेशन, राष्ट्रीय लोक चेतना का सिद्धांत बाई मॉन्टेस्क्यू, रियलिस्ट कॉस्मोस इज सेंटर्ड ऑन द जज, यथार्थवादी विधिक विचारधारा का केंद्र बिंदु न्यायाधीश है, यह किसने कहा, बाई जस्टिस होम्स, थ्योरी ऑफ पेन एंड प्लेजर, सुख दुख का सिद्धांत बाई जर्मी बेंथम, थ्योरी ऑफ पर्पज, प्रयोजन का सिद्धांत बाई ईयरिंग। अब हमारे मेन जो स्कूल हैं इनमें इनके मुख्य फाउंडर कौन कौन हैं, एनालिटिकल स्कूल मेन फाउंडर जॉन ऑस्टेन, हिस्टोरिकल स्कूल हेनरी मेन, सेविंगनी एंड पुचटा, सोशियोलॉजिकल स्कूल समाजशास्त्रीय शाखा के मुख्य प्रतिपादक कामटे, रास्कोपाउंड एंड ईयरिंग, एंड नेचुरल लॉ स्कूल स्टेमलर एंड ड्यूगेट। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।